हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से कुल 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश के लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज 5,55,555 घरों में गृह प्रवेश संभव हुआ है, जो कि एक दिन में संपूर्ण देश में होने वाले गृह प्रवेश की संख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत 500 करोड़ की लागत से राज्य का 23वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऊपरी असम के हिबोहागोर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर में पहली बार डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान में 300 करोड़ की लागत से बाल चिकित्सा एवं वयस्क हिमेटोफॉइड केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर 615 करोड़ की लागत से बना तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लोगों को समर्पित किया। 572 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे पुरानी कच्चे तेल पाइपलाइन के बरौनी बोंगाईगांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 51 करोड़ रुपए के निवेश से दुलियाजान से दिग्बोय रिफाइनरी तक कच्चे तेल की स्पर लाइन को बदलने की परियोजना पूरी की है। 277 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है इंडियन ऑयल गुवाहाटी टर्मिनल पेटकुची में सुविधाओं का विस्तार। उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड NEGG को राष्ट्रीय गैस ग्रिड NGG से जोड़कर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ईंधन सुनिश्चित करने जा रही है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। सन 1901 में स्थापित दिग्बोय रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भारत और इंडियन ऑयल की प्रथम सौगात गुवाहाटी रिफाइनरी की विस्तार परियोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज NF रेलवे की 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें न्यू बोंगाईगांव सरभोग सेक्शन और धूपधरा छायगांव सेक्शन के बीच नई दोहरीकृत लाइन शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगाज ने दिखा दी राह, उत्तर पूर्व ने बनाई एक नई पहचान, चहुमुखी विकास की ओर भर ली उड़ान।